corruption, infrastructure, health, gender, environment, development, conflict, caste, art and culture, education, corruption, development, health, infrastructure, education, conflict, environment, gender, development, corruption. गोवा सरकार ने जंगल बचाव के नाम गोवा के आदिवासियों को सताना और विस्थापन करने की कोशिश लगभग 10 साल से जारी रखने के कारण गोवा के खोतीगांव अभयारण्य के नज़दीक वाले लोगों को जेल जैसा जीना पड़ रहा है। तो अब हम देखते हैं खोतीगांव वासियों की हालत क्या है। जंगल ही अपनी संपत्ति मानकर वन विभाग ने जंगल की जमीन अपने कब्जे में लेना शुरू किया है, इसलिए वन विभाग ने गांव के नज़दीक ही बड़े बड़े ट्रेंच खोदे हैं। इसके वजह से आदिवासियों की खेती, देवराई, हजारों साल के पारंपरिक मंदिर वन विभाग के कब्जे में हो गया है। हम कहाँ पे आ रहे हो घरा वाले बोला परंपरा हमें थे रावता ले तो आज हम कहाँ खाली करपा करता दूसरे कड़े उठोपा करता फक्त तो हम कहाँ 300 मीटर लुगा देता मंडा म्हणून त्याच्यावर आम्ही घर बांधव खुं शेत करो खंजडे आणि कसे जगव। गावों को जोड़ने वाले पांव वाट और रास्ते पर गेट डालकर बंद करने से गांव-गांव का संपर्क भी टूटता जा रहा है। खाना पकाने वाली सूखी लकड़ी भी लाने में बंदी डालने से गांव वालों पर अब बहुत बड़ा संकट आया है। जब फॉरेस्टर मरण का ते काजू नाले आम्ही जगवा शकना आणि शेतां भी तशीच आहा आम्ही पहिले आमगे पावणे म्हण आसी त्या पावणे शेतांक आमकां भितर फाल्यां ती आमचे नांवाचेर हें जाल्ली ना ती गोवर्मेंटा नांवाचेर आसा ती आमकां फाल्यां ती बी तशें तें हें केल्यार मागीर ते वायल्ड लायफ आनी फॉरेस्ट म्हण हें केल्यार आमी तें जगोवंक शकचे ना। यदि गोवा के वन विभाग का कानून के नाम पर ऐसा ही चलता रहा तो खोतीगांव के 34 परिवार को ना खेती करने के लिए जमीन मिलेगी ना रहने के लिए जमीन मिलेगी। ये लोग पूरे से पूरे विस्थापन हो जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर मैं हमारे गांव के फॉरेस्ट ऑफिस में गया और उस अधिकारी से मिलकर पूछताछ करने की कोशिश की। तभी मैं 10-12 बार ऑफिस में गया, तभी हर बार मुझे ऑफिस वालों से यही जवाब मिला कि वो अधिकारी कहीं फील्ड पर गया है, कहीं आज तो आया नहीं है, आज ऑफिस के छोड़कर दूसरे कहीं काम में जुड़ा गया है। इसके वजह से मैं ऑफिस के इस अधिकारी से भी बात नहीं कर सका। सरकार कोई भी कानून निकालता हो उस कानून से कोई भी बेघर ना हो, कोई भी विस्थापन ना हो, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ सरकार ने लोकशाही राज्य में लोगों के लिए ही निकाले हुए कानून से किसी का भी जीवन अंधकारमय ना हो, ये देखना भी बहुत जरूरी है। ये समाचार इंडिया अनहर्ड खोतीगांव काणकोणा गोवा से देवीदास गांवकर।